और यह वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी हो गया ना, क्योंकि बहुत बुरा लगता है मेरे को सुबह सुबह जब स्कूली छोटे भैया बहन हमारे यहाँ इस रास्ते से जाते हैं। मैं भी हमारे जो विधायक जी हैं उनको टैग कर रहा हूँ ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और देखें अब उनके क्षेत्र में किस प्रकार का विकास हो रहा है। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, एंड की हालचाल, होप सब बढ़िया ही होगा। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह बिष्ट, मेरा घर है पहाड़ों में नैनीताल की खूबसूरत सी घाटी मुक्तेश्वर में। तो फ्रेंड, इन खूबसूरत पहाड़ों से ना एक और नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ आपका। अगर मौसम की बात करूँ आज मुक्तेश्वर घाटी की, मौसम विभाग ने तो अलर्ट बता रखा है, और फिलहाल एक बार मौसम चेक कर लीजिए किस प्रकार का मौसम बन रहा है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे नज़ारे हैं आज के, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि पूरी घाटियों में चारों तरफ कहीं भी आप नज़र घुमाओ ना तो कोहरा छाया हुआ है घाटियों पे। तो इससे ना जो दूर दूर के पहाड़ हैं और ग्रीनरी है वो उतनी खास दिखाई नहीं दे रही है। फ्रेंड, कुछ ऐसा मौसम हो रखा है आज का, और ब्लॉग की शुरुआत ही करीब 11 बजे से कर रहा हूँ। अभी तक ना हम खेतों पे थे, नाशपाती वगैरह तोड़ रहे थे, इस समय हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। तो चलिए, जैसा भी मौसम है ब्लॉग की शुरुआत ही कर लेते हैं और देखते हैं अपना पूरा दिन कैसे रहता है। और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, पहाड़ आपको पसंद है, पहाड़ों की लाइफस्टाइल आपको पसंद है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। ये चेक करो फ्रेंड, सुबह से ना आज इसी पे हमारी मेहनत हो रही है, मम्मी पापा और मैं तीनों लोग लगे हुए हैं और सुबह से नाशपाती तोड़ रहे हैं। मौसम तो अभी बारिश वाला बन गया है, अभी तक मौसम थोड़ा ठीक था, अब देखते हैं क्या सीन रहता है। कितनी, अगर दिन में मौसम ठीक रहता तो दिन में भी नाशपाती तोड़ेंगे, वरना जितनी ये तोड़ रखी है ना इसी को बाज़ार भेजेंगे। और ना पहाड़ों में फ्रूट्स का सीज़न ये लास्ट है, नाशपाती ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कोई सीज़न नहीं रहता है। उसके बाद मटर और गोभी का टाइम चल जाएगा, बस फ्रूट्स का सीज़न पहले आड़ू पुलम, उसके बाद एप्पल, और अब जाके लास्ट में नाशपाती की बारी आ रही है। तो इसको भी, इस काम को भी जल्द से जल्द हम सोच रहे हैं कि कम्प्लीट हो जाए ये काम भी, देखते हैं क्या रहता है सीन। गाइस, बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है और मैं खेत पे जा रहा हूँ छाता लेके, क्योंकि पापा लोग खेती पे हैं और बारिश इतनी तेज़ है ना, एक मिनट नहीं लगेगा भीगने में। अभी तो पेड़ वेड़ के नीचे होंगे पापा लोग, भयंकर देख रहे हो, एक ही पल में ना पूरा मौसम चेंज हो गया, बहुत तेज़ बारिश हो रही है इस समय। तो चलिए जी, चलते हैं खेतों की तरफ। तो चलिए जी, मम्मी पापा तो भीगते भीगते आ गए हैं। भयंकर देख रहे हो बारिश में मेहनत। दोस्तों, 2 मिनट में इतनी खतरनाक बारिश हो गई है ना, जिसका अनुमान नहीं था हम लोगों को। एक पल भर में ही मौसम चेंज हो गया, सुबह बारिश ने थोड़ा बहुत राहत दी हम लोगों को। वैसे भी मौसम विभाग ने अलर्ट आज का बता ही रखा था, सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सभी बच्चों को छुट्टियाँ हैं कल से ही। अचानक से बारिश शुरू होगी, भयंकर हो गया भाई, बाय गॉड, पूरा माहौल ही चेंज हो गया। देख रहे हो पूरे जो पहाड़ है ना, सब कोहरे से ढके पड़े हैं और मूसलाधार एकदम तेज बारिश हो रही है। एक ही मिनट में जो रास्ते हैं हमारे घर के आसपास, इन पे पानी जमा होना शुरू हो चुका है। और इस साल ना पूरे देश में सबसे ज़्यादा बारिशें देखने को मिल रही हैं, हर जगह जल तांडव हो रहा है। इनफैक्ट अगर हल्द्वानी की बात करूँ तो हल्द्वानी में भी कल रात बादल फटा हुआ है, जिस वजह से हल्द्वानी काठगोदाम एरिया में भी काफ़ी तबाही हो रखी है। और इस प्रकार से अगर बादल फटे और बारिश तेज होना तो डर तो लगता ही है बॉस। 2 मिनट में पूरा सीन चेंज हो गया, सुबह बहुत बढ़िया मौसम हो रखा था और अभी बस करीब 12:30 बजे से ना ये बारिश शुरू हो गई है। और बारिश में एंजॉय करने का मज़ा भी अलग है, मैं भी अब छाता वाता लेके ना ऐसे ही घूम रहा हूँ इधर घर के आसपास में, देख रहे हैं माहौल कैसा बना हुआ है। रास्तों से भी देख रहे हो भयंकर पानी चलने लगा है। तो फाइनली दोस्तों, सीन ये है ना, बाहर तो हो रही है लगातार झमाझम बारिश, करीब 1 घंटा हो गया इस बारिश को चले हुए, और लंच टाइम भी हो गया, करीब 1 बजे का इस समय हो रहा है। तो हम लोग अभी
लंच कर रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं। आज के जो खाने में है ना, चावल, अरहर की दाल और मैं खा रहा हूँ दो हरी मिर्च, साथ में अचार। और मेरे साथ जो लंच करने में साथ दे रहा है ना पुष्कर, मेरा भतीजा। कैसे कैसा हो रहा है दाल चावल? अच्छा हो रहा है। तो बॉस, ऐसे मौसम में ना कुछ काम धाम हो नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर लगातार झमाझम बारिश हो रही है। हम लोग अपना लंच कर लेते हैं और उसके बाद दिन के समय में देखते हैं, मौसम ठीक रहा तो नाशपाती ढोने जाना है रोड तक, अगर मौसम ठीक नहीं रहा तो ऐसे ही घर में बैठे रहेंगे, कोई काम हो नहीं पाएगा। इस समय जो मौसम बना हुआ है ना वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो ये चेक करो फ्रेंड, लगातार बारिश हो रही है, झमाझम बारिश। और इस खूबसूरत से मौसम में ना अपना लंच कर लेते हैं हम लोग। तो हेलो जी, गुड इवनिंग। इस समय ना समय हो रहा है शाम के करीब 4:30 बजे का, और फाइनली खाना वाना खाने के बाद मैं सो गया था और इस समय मैं उठा। तो सबसे पहले तो आपको सीन्स दिखाता हूँ जो सीन्स बने हुए हैं पहाड़ों के, ख़ास तौर पे हमारे मुक्तेश्वर घाटी के। ये चेक करो दोस्तों, अभी भी ना घाटियों में पूरी तरीके से कोहरा छाया हुआ है, हल्के हल्के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं इस तरफ के, बाकी इस तरफ तो अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दूर दूर तक का कुछ व्यू नज़र नहीं आ रहा है, बाकी कोहरा ही कोहरा है घाटियों पे। तो फ्रेंड, कैसा लगा शाम का यह मौसम कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। और इस मौसम में ना हमने थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है। पापा नीचे भर रहे हैं नाशपाती कट्टों में, जिनको यहाँ से सर में ढोना होगा रोड तक का। एक बार सीन चेक कराता हूँ आपको। तो फाइनली फ्रेंड, जो अपना सिस्टम है ना रोड पे पहुंचाना नाशपाती, वो शुरू हो चुका है। फिलहाल एक पेटी लेके जा रहा हूँ और रास्तों का भी काफ़ी बुरा हाल हो रखा है, बारिश की वजह से कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है रास्तों पे, वो भी अभी आपके साथ शेयर करूँगा। थोड़ा सा ना मौसम ने साथ दे दिया हमारा, जिस वजह से हम ये काम कर पा रहे हैं अभी। तो फ्रेंड, फाइनली ना एक राउंड मैंने रोड पर पहुँचा दिया है, वो अभी आपको दिखाया नहीं रोड पर कितना सामान आ रखा करके। बाकी ना मैं फिर से घर की तरफ जाने लगा हूँ, एक राउंड मेरा और है, उसको भी लेके आता हूँ और आपको रास्तों के हाल दिखाता हूँ कैसे हो रखे हैं, ताकि शासन प्रशासन तक अगर मेरी ये वीडियो पहुँचे और जो हमारे इस क्षेत्र के विधायक हैं श्री राम सिंह कैड़ा, उन तक अगर ये वीडियो पहुँचे ना तो वो देखें कि रास्तों के कैसे हाल हो रखे हैं। क्योंकि आम पब्लिक जब अपना नेता अपना विधायक चुनती है ना तो बहुत सारी उससे उम्मीदें रहते हैं, गाँव में विकास हो, अच्छे अच्छे खासे रास्ते हम लोगों के गाँव में बने, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला। जो हमारा मेन रास्ता है ना, रास्ता बहुत मेन है क्योंकि दूसरे गांव को भी लिंक करता है। तो दोस्तों, ये है वो आम रास्ता जो मुख्य मार्ग है जिला पंचायत से, यह करीब 9 फीट का चौड़ा रास्ता है, लेकिन इस रास्ते के हाल दिखाता हूँ आपको। अगर विधायक जी तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही है ना तो सर देखिए, आप हमने आपको वोट दे रखे हैं कुछ उम्मीदों के साथ कि हमारे गांव घरों में सब कुछ बढ़िया रहे और जो हमारे रास्ते हैं वो सब ठीक रहे, लेकिन इस रास्ते का हाल देखिए। मेन रास्ता है ये, और ये रास्ता आज का भी नहीं है, बहुत पुराना रास्ता है और जिला पंचायत से करीब, जैसे मैं बता चुका हूँ, 9.5 फीट का रास्ता है, हमारे गांव को तो लिंक करता ही है, और सामने जो सूपी काफली गाँव है, काफ़ी बड़ा गाँव, उस गाँव तक ये रास्ता लिंक करता है, आम रास्ता है। और रास्तों की हालत देखोगे ना आजकल बारिश में, कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है हर कहीं पे, जगह जगह से पानी ही हो रहा है। 9 फीट का पूरा चौड़ा रास्ता है, लेकिन मैं गवर्नमेंट और विधायक जी से अपील करना चाहूँगा, 9 फीट अगर आप रास्ता नहीं भी बना पाते हैं, जितना ही अभी चौड़ा रास्ता है 1.5 मीटर, 3.5 फीट, इसी में आप अगर RCC करवा देते किन्हीं योजनाओं के तहत तो हम लोगों को काफ़ी सुविधाएँ होती। देख रहे हो भयंकर, कितना स्लिपरी रास्ता हो रखा है, देख रहे हो। और जैसा कि दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये जो रास्ता है ना ये आम रास्ता है, इस गांव से लेके दूसरे गांव को भी लिंक करता है, और ये रास्ता आज ही से नहीं, करीब बहुत पुराना रास्ता है। रास्ता तब से है जब नीचे जो सूपी काफली वो रोड जाती है, रोड भी नहीं खुदी थी, तब से ये रास्ता है और इसी रास्ते का चलन था और अभी भी है। बाकी रास्ते का हाल दिखा रहा हूँ मैं आपको, अभी तक ना करीब 5 ग्राम प्रधान हमारे पंचवर्षीय में बदल चुके हैं। हर पंचवर्षीय योजना में नया ग्राम प्रधान आता है और कोई भी रास्ते की सुध नहीं ले रहा है। देख रहे हो भयंकर कैसा हो रखा है।
और ऐसे में कैसे चला जाएगा आप ही बताइए, और वीडियो को शेयर करिए। मैं भी हमारे जो विधायक जी हैं उनको टैग कर रहा हूँ ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और देखें अब उनके क्षेत्र में किस प्रकार का विकास हो रहा है। जितना ये चौड़ा भी रास्ता है इतना ही चौड़ा इस पर अगर RCC भी हो जाती तो पानी वानी नहीं अटकता, कीचड़ वीचड़ नहीं होता। देख रहे हो जगह जगह बारिशों में पूरे रास्ते के हाल ख़राब हो रखे हैं। और यह वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी हो गया ना क्योंकि बहुत बुरा लगता है मेरे को सुबह सुबह जब स्कूली छोटे भैया बहन हमारे यहाँ इस रास्ते से जाते हैं, जो पीछे मेरा गांव देख रहे हैं ना सूफी काफली गांव, जो ये रास्ता लिंक करता है जिस गांव को, वहाँ से भी बच्चे आते हैं। करीब 400-500 बच्चे डेली इस रास्ते से चलते हैं, चाहे वो कक्षा 1 में पढ़ने वाले हो, 2 में पढ़ने वाले हो, 11-12 में पढ़ने वाले हो। तो ऐसे हालातों में जिस प्रकार रास्ते में कीचड़ भरा हुआ है तो काफ़ी खतरा रहता है। भगवान न करे कभी कोई अनहोनी हो जाए, किसी का पैर फिसल जाए, कोई गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, तो इसीलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया। और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए फ्रेंड, ताकि हमारे जो विधायक जी हैं ना उनको भी पता चले उनके क्षेत्र में किस प्रकार से काम हो रहा है। पिछले करीब 5 पंचवर्षीय योजना से 5 ग्राम प्रधान हमारे गाँव के बदल चुके हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और कोई भी इस रास्ते की सुध लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि और रास्ता ना पूरा जिला पंचायत का है करीब 9 फीट का, लेकिन अभी तक इस रास्ते में CC मार्ग यानी RCC मार्ग नहीं हो पाया, और बारिशों के समय में इसी प्रकार से हम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है, हम ही जैसे रोड तक कुछ सामान ढोके लेके चलते हैं, रास्तों में इतना कीचड़ हो रखा है, पानी हो रखा है, कभी गिर गए, पैर फिसल गया तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, देख रहे हो भयंकर। और फिलहाल अगर मैं बात करूँ ना तो जो सामने वाला एरिया दिख रहा है तो सामने वाला जो गांव है सूफी काफली, उस गांव को ये रास्ता लिंक करता है, और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ तो रोड खुद चुकी है तो रोडों से ही आना जाना करते हैं लोग, और ऊपर की साइड जहां रोड नहीं पहुंची है तो इसी रास्ते का यूज करते हैं क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता है, नज़दीक है मार्केट से, कस्या लेक से। तो सामने इसी गांव की बात कर रहा हूँ, करीब 400-500 बच्चे डेली इस रास्ते से अप डाउन करते हैं और भी लोग इस रास्ते से अप डाउन करते हैं, लेकिन जो हमारा शासन प्रशासन है खासकर हमारे विधायक जी, वोट मांगने के लिए तो आप बहुत बार आओगे लेकिन जब आप लोग जीत जाते हो ना उसके बाद आप केयर नहीं करते हो, तो जनता आपको बनाती है तो जनता का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। कोई अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, बस जो सार्वजनिक रास्ते हैं अगर वही ठीक हो जाए ना तो काफ़ी राहत मिलती। सबसे ज़्यादा दुख तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको देख के लगता है, उनके कंधों में भारी भरकम बैग रहता है और फिर भी इन कठिन रास्तों में चल के वो स्कूल तक पहुंचते हैं। अगर ये वीडियो मेरे विधायक जी तक पहुंचे ना तो सर प्लीज़ कभी देखिए, इन रास्तों का भी सुधार होना ज़रूरी है क्योंकि ये आम रास्ता है, एक गाँव से दूसरे गाँव को लिंक करता है और काफ़ी पुराना रास्ता है। देख रहे हो भयंकर, जगह जगह से रास्ते से पानी जा रहा है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। और मैं अपनी जनता अपने सब्सक्राइबर से भी अपील करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि शासन प्रशासन तक ये बात पहुँचे और देखे कि गाँव में किस प्रकार कंडीशन हो रखी है। ये आम रास्ते नहीं सुधार पा रहे हैं और क्या विकास करेंगे। लगातार पानी बह रहा है, देख रहे हो दोस्तों, एक इस पर RCC हो जाती ना 3-4 फिट की तो वही कारगर सिद्ध हो जाती, कम से कम एक कीचड़ तो नहीं होता। बोलने को तो बोलते हैं भविष्य में इस पे रास्ता बन जाएगा 9 फीट 10 फीट का, लेकिन कब बने क्या बने। 5 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं, 5 ग्राम प्रधान हमारे गांव के बदल चुके हैं, लेकिन अभी तक ना इस रास्तों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो विधायक जी आप ज़रूर कभी इस क्षेत्र में आते हैं, हमारे कसैली क्षेत्र में आते हैं ना, तो इस रास्ते का हाल ज़रूर देखिए और अपने संज्ञान में लीजिए, और जो उचित कार्रवाई हो ना, कोई भी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं के तहत इस रास्ते को ठीक करने की कोशिश करिए। ये मेरे ही विचार नहीं है, हाँ जो आम पब्लिक परेशान होती है ना उनके भी विचार हैं। हमारे जो छोटे छोटे भैया बहन जाते हैं इन रास्तों से स्कूलों को जाते हैं, उनको भी सुविधा हो जाएगी। 400-500 बच्चे डेली का जाना कोई मामूली बात नहीं होती है, डेली इन्हीं रास्तों से जाते हैं। मैंने ना आज तक इस रास्ते के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जब मैंने देखा ना बारिश के समय में छोटे छोटे बच्चे बड़ा संघर्ष करते हुए इन रास्तों से चलते हैं, कितने तो गिर जाते हैं बेचारे, तो तब उनको देख के मन में बहुत पीड़ा हुई, दया आई, तो सोचा हम कर तो क्या सकते हैं लेकिन अपने पास जो पावर है, सोशल मीडिया की पावर है, उसके ज़रिए लोगों को दिखा सकें और उत्तराखंड सरकार और जो हमारे विधायक हैं उन तक ये बात पहुंचाई जा सके। और इस छोटे से कदम में आप लोग मेरा साथ देना चाह रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि शासन तक ये बात पहुँच सकें।
तो फाइनल फ्रेंड सीन ये है ना, शाम के करीब 6:30 बजे का समय हो रहा है और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। और जो हम मेरे घर के काम थे, खासतौर पे घर से नाशपाती रोड पे ढोलना, वो मैं पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ। एक बार मैं शाम का एक खूबसूरत सा मौसम आपको दिखाना चाहूँगा। हल्की दुल्की बारिश हो रही है, ये चेक करो फ्रेंड, शाम का मौसम है। मैं ना अभी रोड साइड पे हूँ और घर की तरफ को जाने वाला हूँ। घाटियों पे कोहरा तो है ही, लेकिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो फ्रेंड शाम के इस खूबसूरत से मौसम के साथ ना मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ, इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी, और जो जैसे हालात मैंने आप लोगों को दिखाए ना रास्ते के, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि जो हमारा शासन प्रशासन है, उत्तराखंड सरकार है, और ख़ासतौर पर हमारे जो विधायक हैं, उन तक मेरी ये वीडियो पहुँच सके और इसके निवारण में वो कुछ काम कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। ख्याल रखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाय।